नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़ है। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। शाम की बड़ी खबरों के साथ ही आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बताते चलो कि एक तरफ देश में लॉकडाउन है और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर लगातार नई नई अटकलें निकलती हुई आ रही है। एक तरफ जहां कुछ लोग उनके फेवर में है कि महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में वापसी करे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक भी हैं जो ये चाहते हैं कि धोनी की अब जो क्रिकेट में संभावना है वापसी की वो ख़त्म हो गई है और धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं क्या हरभजन सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या खुलासा किया और साथ ही कहा है कि धोनी को टीम में वापसी लगभग तय है और धोनी को इन विकल्पों पर तैयारी करने की जरूरत। बताते चलो कि कोरोना वायरस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी के सवाल भी गहराते जा रहे हैं। हालांकि ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी उपलब्ध रहते हैं तो टीम प्रबंधन को उन्हें T20 विश्व कप के लिए ले जाना चाहिए। कह सकते हैं लगातार जो धोनी के ऊपर कहे ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जो लगातार ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि धोनी की अब टीम में वापसी नहीं हो सकती, धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए। तो वहीं पर कई ऐसे भी प्लेयर हैं जो लगातार धोनी के सपोर्ट में आकर खड़े हो रहे हैं और धोनी को वह वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं और साथ ही एक बार फिर से जो सपना है टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का, उसमें धोनी की वापसी के लिए लगातार खबरें निकल के आ रही है। बताते चलो कि हरभजन ने कहा है कि धोनी इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन्हें IPL की फॉर्म के आधार पर परखा नहीं जा सकता। हरभजन ने कहा है कि धोनी को आप कैसे परख सकते हैं, आप उनकी IPL फॉर्म देखोगे या उन्हें सम्मान दोगे या इस बात को ध्यान में रखोगे कि वो भारत के लिए महानतम खिलाड़ी और कप्तानों में से एक है, उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो कह सकते हैं कि लगातार एक तरफ जहां आलोचनाएं हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई प्लेयर धोनी के सपोर्ट में ही हैं और देखना यह होगा कि क्या जब वर्ल्ड कप की बारी आएगी, टीम इंडिया की सिलेक्शन होगी, तो क्या धोनी की कितनी प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही दो नए कीपर यानी कि ऋषभ पंत और KL राहुल भी टीम इंडिया में वापसी के लिए लगातार कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना यह होगा कि क्या धोनी वहाँ पर कितने सही बैठते हैं या फिर ऋषभ पंत या KL राहुल को प्राथमिकता दी जाएगी।